फंक्शंस, फन एंड फंक्शनरी, कार्य, कोष और कर्मी, तीन का कार्य, कोष और कर्मी ही दिया जाना चाहिए। लेकिन यह सब नहीं हुआ और इसीलिए ग्राम कचहरी के लोग राज्य के पंच, सरपंच, उप सरपंच का जो संघ है उसने अल्टीमेटम दिया है कि हम 12 जनवरी को सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। 12 जनवरी को ये जो आने वाला है, सरकार ने समय लिया था कि हम 31 दिसंबर तक कुछ करेंगे। आज 31 दिसंबर है, सरकार ने कुछ नहीं किया। आज संडे है तो कुछ होने की उम्मीद भी नहीं है, अभी जो 10-12 घंटे बचे। इसीलिए हमने छुट्टी के दिन आपको कष्ट दिया कि जहां राज्य के 1.25 लाख जनप्रतिनिधि आंदोलन रद्द है और सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं, राज्य सरकार कान में तेल डालकर पड़ी हुई है। यहां अच्छी स्थिति नहीं है। भाजपा मांग करती है कि जो पंच, सरपंच, उप सरपंच का जो संघ है, सरकार उसे वार्ता पर बुलावे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम करे। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। जब हम पंचायती राज मंत्री थे, मैं खुद भी पंचायती राज का मंत्री रहा तो संघ से वार्ता करके सरकार ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी की व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ कार्य योजना बनाई थी। कार्य योजना बनाई थी, वो राज्य सरकार का निर्णय था। और यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों को सुधारने के लिए 20 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की थी। हम जानना चाहते हैं, भाजपा जानना चाहती है कि 13/12/2013 से आज 10 वर्ष बीत गए हैं, सरकार ने उस 20 में से कितने पर काम किया। सरकार सदन में घोषणा करती है, ये नहीं कि बयान दिया कहीं बाहर में, सदन में कार्य योजना प्रस्तुत किया। हमारा कहना है, हमारा आरोप है, हमारा दावा है कि सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उस कार्य योजना में क्या था? कार्य योजना में था कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी न्याय पंचायत है, तो सरपंचों को पगड़ी देने का निर्णय हुआ था कि जब वो जजमेंट करेंगे तो वो पगड़ी पंच परमेश्वर का पहनेंगे। कुछ पगड़ियां बांटी भी गई थी शुरू में जब हम थे, लेकिन वो पगड़ियां नहीं बांटी जा रही, उनका मानदेय नहीं बढ़ रहा। जो ग्राम कचहरी का काम है, विवादों को सुलटाना है, तो एक पक्ष नाराज भी हो सकता है और इसके चलते ग्राम कचहरी के लोगों को खतरे भी है और हत्या भी होती रहती है बीच बीच में। जब हमारे संज्ञान में लाया गया था तो उस कार्य योजना में भी था कि हम इंश्योरेंस करावे। राज्य सरकार ने इंश्योरेंस का भी कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने कहा कि न उनको फंक्शंस दिया गया, न फंड दिया गया, न फंक्शनरी दिया गया, न उनको कोई कार्य दिया गया, न कर्मी दिया गया, न कोष दिया गया। अब ग्राम कचहरी नोटिस जारी करता है, जब संबंधित पक्ष, एक पक्ष आता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होता है, न्यायालय में भी ये होता है। ये नोटिस तामील कौन करेगा? सरकार के पास तो थाना है, ग्राम कचहरी के पास क्या हो? तो सरकार ने माना था कि जो चौकीदार हैं वो ग्राम कचहरी का काम करेंगे,
गांव कचहरी के सरपंच के साथ टैग रहे हैं, ये भी नहीं हुआ। उनको जो पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं उसमें उनका कोर्ट रूम बनेगा, कोर्ट रूम भी नहीं बना। ये सरकार अक्षम सरकार है, यह ढपोर सेठी सरकार है। इसने हर मोर्चे पर अपनी विफलता को साबित किया है। लेकिन आज मेरा जो विषय था वो ग्राम कचहरी था, और हमने ग्राम कचहरी के दुख दर्द को आपके समक्ष और आपके माध्यम से राज्य की जनता के समक्ष रखने का काम किया है। हम आशा करते हैं कि अभी भी कुछ घंटे बचे हैं, राज्य में वैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगी अगर 1.25 लाख जनप्रतिनिधि एक साथ त्याग पत्र देंगे। अगर 1.25 लाख नहीं भी देंगे, 50,000 ही लोग 12 तारीख को आकर त्याग पत्र देंगे, तो कितनी बुरी स्थिति होगी। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अपने कुंभकर्णी निद्रा को तोड़े और ग्राम कचहरियों की समस्या का समाधान करें। बहुत धन्यवाद।